एक अच्छी डिमांड इस समय अक्रॉस ज्योग्राफीज देखने को मिल रही है, स्पेशली यूएस और जापान। और आपको याद है जापान का डर, वो पीआई इंडस्ट्रीज पर भारी पड़ा था और स्टॉक क्या टूटा था जब एक जापानीज कंपनी जिसको वो सप्लाई करते हैं एग्रोकेमिकल्स, उन्होंने अपनी गाइडेंस कट की थी। लेकिन अनुपम रसायन ने साफ कह दिया है कि वो शॉर्ट टर्म की थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी कुछ कुछ कंपनियों से जुड़ी हुई, लॉन्ग टर्म डिमांड में कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यूरोप से भी डिमांड अगले 3 से 6 महीनों में पिकअप होती हुई दिखाई देगी। इस केमिकल स्पेस में गौरांग, आप किस तरफ अपनी पोजीशन रखना चाहेंगे? ये कंपनी अनुपम रसायन जैसी जो पॉलीमर इंटरमीडिएट सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ी है। आज आरती इंडस्ट्रीज ने कहा कि अगले 9 सालों के लिए इनके हाथ एक अच्छा खासा ऑर्डर हाथ लगा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। और ऑफ कोर्स एग्रीकेमिकल साइड पर चैलेंजेस है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही हैं। आप किस तरफ ज्यादा बुलिश हैं? वर्षदा, पहले तो पीआई इंडस्ट्रीज पर ही आते हैं। 3800 से ये फिसला, वो जो खबर आई चाइना से उसको लेकर के, और मेरे ख्याल से 3200-3100 के आसपास से थोड़ा संभला, और मौजूदा स्तर 3450-60 के आसपास, इसी पर ही हम खरीदारी की राय देंगे। क्योंकि हमने पीआई इंडस्ट्रीज को मैनेजमेंट को हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर सुना था, और जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया था उससे हम संतुष्ट हैं। खरीदारी की राय आज की तारीख में भी बरकरार है। विनति ऑर्गेनिक्स मेरे ख्याल से 1700 के आसपास था पिछली बार जब मेरी नजर पड़ी थी, यहाँ पर खरीदारी की राय है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बाकी अन्य स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स के मुकाबले तुलना में इतना कुछ किया नहीं है पिछले कुछ समय में। टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज जो नाम आपने लिया, पिडिलाइट, यूपीएल, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हमें काफी अच्छा लगता है। और हमें लग रहा है कि एक जो एक समय था विस्तार योजनाओं का, R&D में निवेश करने का, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का, वो अब जमीनी स्तर पर लागू करने की पूरे प्रयास चल रहे हैं। और चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, स्थानीय मार्केट में जो मांग आ रही है उसको लेकर के मेरे ख्याल से 2024 का जो साल होगा कैलेंडर ईयर, वो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स के नाम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज सुबह जो आरती इंडस्ट्रीज का डिस्क्लोजर आया था ना हर्षिता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो उन्होंने 3000 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल की बात की है, और ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ चलने शुरू हुए हैं बॉटम आउट में, क्योंकि एक सेक्टोरल मूव है। और इसमें बस जैसे हम बार बार कह रहे हैं, आपको रिपीट करना जरूरी हो जाता है क्योंकि कई लोग मिस कर देते हैं, इसमें बास्केट अप्रोच काम करेगी आपके लिए, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किस दिन कौन चलेगा। कई लोग कहते हैं मैं SRF लिया हुआ है वो नहीं चल रहा, बाकी सब चल रहे हैं, वो भी चलेगा। या फिर किसी दिन कहते हैं कि आज नवीन ने चला लेकिन दीपक चल गया, ये सब मतलब चलता रहेगा। लेकिन ये जो आज आया डिस्क्लोजर, मेरे ख्याल से और भी देखेंगे आप धीरे धीरे यहाँ पर। एक लंबी करेक्शन के बाद, मेरे ख्याल से एक बड़ी बुल मार्केट थी उसके बाद एक लंबी करेक्शन आई इन स्टॉक्स में, और इसके बाद अभी स्टॉक्स चलने शुरू हुए। खैर, कुछ स्टॉक्स ने तो बहुत शानदार कमाल दिखाया, देखिए आरती इंडस्ट्रीज 1 महीने में 21% का मूव हुआ, करेक्शन भी उतनी ज़बरदस्त थी उस हिसाब से। लेकिन खैर, देखते हैं यहाँ से और कितना पोटेंशियल है इन स्टॉक्स में। गाबा सर, आपको अगर चुनना हो तो कोई केमिकल स्टॉक कौन सा होगा? एक्चुअली मैं आरती मुझे पसंद था, आज सुबह देख रहा था मैं, तो आरती तो डेफिनेटली रहेगा मेरे लिए, आरती इंडस्ट्रीज, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है इसलिए, लेकिन फिर भी ये बाय मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 644 पर, 630 का कोई स्टॉप लगा चले, मुझे लगता है 670 की तरफ जा रहा है। और SRF की बात करता हूँ मैं, SRF का चार्ट है, उसके हिसाब से लगता है SRF थोड़ा अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा। UPL कुछ बॉटिंग और प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है UPL, तो आई थिंक आरती इंडस्ट्री एक बेहतर बेट रहता है। आरती इंडस्ट्रीज एक बेहतर बेट रहता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू पोटेंशियल 3000 करोड़ का 9 सालों में, यानी कि रफली 300 करोड़ का रेवेन्यू उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आता हुआ दिखाई देगा, और बाकी बिजनेस जैसा अगर अच्छा करेगा तो बस एडिशनल है ही। चलिए आज